किया आपने। ये क्या है वीर जी, हैं? आपको कब से फोन कर रहा हूँ, आप फोन ही नहीं उठा रहे, क्या हाल बना रखा है? वो दारू तो पहले भी पीते थे, बाहर से भी पी के रहते हो, हैं? इतनी इतनी देर तक क्या है वीर जी ये सब? ओए वीरन, औकात बना अपनी, कौन हूं मैं तेनू पूछन वाला? तेरे प्यो दी पीने में अपने पैसे की शराब पिए मरे पियांगा, रोज पियांगा, तू कौन हूं मैं तेनू रोकने वाला? ओ देख अपनी मनमानी करता पिया, ओ मेरा पुत्र मैं भी करूंगा, तू भी कर, सब करो अपनी मनमानी। कदा था जहर पीने की हिम्मत है? जब से बेटे की शादी हुई है वही तो कर रही। वो जहर नहीं यार, असली जहर जिसको एक घूंट पीने से आदमी क्लिक होके एकदम ही मर जाए। सब कुछ कर सकती हूँ, बेटा चाहिए मुझे, मैं मर भी सकती हूँ, मार भी सकती हूँ, और जो कुछ भी करना है ना आरक से कल तक कर दो। जो तुझे वादा किया है ना प्रीत, अब कुछ ना कुछ तो करेगा आरक से। नानी, सुबह सुबह 3 बजे क्या कर रहे हो आप किचन में? ये तेरा पहला करवा चौथ है ना, रीत के हिसाब से तो सास बहू को देती है सरगी, तेरे लिए मैं बना रही हूँ। मैनू भी अभी अभी ख्याल आया, बस मैं दौड़ी चली आई। चलो मिलकर सरगी बनाते हैं, आज हमारे सुरभि पुत्र का पहला करवा चौथ है। हाँ बेबे, आज तो हमारी सुरभि का पहला करवा चौथ है। आज तो रसोई में हम याद बटाएंगे, आज सुरभि के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाएंगे। दीका भी करवा चौथ होगा ना, उनके लिए पता नहीं कोई कुछ कर रहा होगा या नहीं, उनके लिए कोई तैयारी होगी या नहीं, ना नई साड़ी होगी उनके पास और ना ही उनके लिए कोई सरगी बना रहा होगा। ना आपके हाथ की सरगी मिली होगी, ना सास के हाथ की। हरमन पुत्र का फोन इस वक्त? हेलो नानी, वो सरगी कैसे बनाई जाती है? किचन में तो मैं आ गया हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या बनाऊँ कैसे बनाऊँ। कुछ बता दीजिए तो मैं बना लेता हूँ, जिससे उसे ज्यादा प्यास भी ना लगे और भूख भी। हरमन पुत्र का फोन है, वो सौम्या के लिए खुद सरगी बना रहा है, कोई पूछ रहा है मुझसे कैसे? पता नहीं ये भी किस मिट्टी के बने। नानी जल्दी बताइए ना, नहीं तो मेरा प्लान चौपट हो जाएगा। हाँ पुत्र, कुछ तो बन गया। ठीक है पुत्र, तुम बाहर जाओ। मैंने पूछा क्या कर रहे हो रसोई में?
कमाल करती हैं आप, यहाँ मेरा हाथ जल गया, आपको इलाज करना चाहिए और आप मुझसे पूछ रही मैं रसोई में क्या कर रहा हूँ। लेकिन कर क्या रहे हो तुम यहाँ पे? वो भी एक चोर की तरह। अरे अब तो इसी दुनिया इसी घर का हिस्सा हूँ तो चोरी किस बात की? और आप ही ने कहा था ना कि सौम्या करवा चौथ का व्रत कैसे रखेगी, उसके ना तो ससुराल का पता है ना सास का, तो ये लीजिए हरमन सिंह, सौम्या का ससुराल, उसका पति और उसकी सास, सब कुछ मैं हूं। और ये रही सौम्या की सर्गी। किससे पूछकर वो करवा चौथ का व्रत कर रही है? ये सब यहाँ नहीं चलेगा। जब तक तुम हमारी सारी शर्तें पूरी नहीं कर लेते तब तक तराना किसी भी रिश्ते की पूजा या तो उसका त्योहार नहीं करेगी। ये सब बाद में करते रहना, समझ में आई बात? अब आपसे बहस करके कोई फायदा नहीं, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। तो आपने कर दिया, लेकिन मैं अपनी गुलाबों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो नहीं मानेगी, तो मैं उसे अकेले व्रत क्यों करने दूँ? मैं भी रखूंगा करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ का व्रत करूंगी। हाँ तो रखो ना, किसने रोका है तुम्हें? अभी तो आपने तराना, ये भी हरमन की परीक्षा का एक हिस्सा है। बात छोटी सी है लेकिन हम परखना चाहते हैं कि उसे तुम पर कितना विश्वास है। क्या उसे यकीन है कि तुम हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर उसके लिए व्रत करोगी? वे तुम्हारे लिए उसके विश्वास की परीक्षा है। और हाँ, तुम में से कोई भी हरमन को ये नहीं बताएगा कि तराना ने उसके लिए व्रत किया है। जी, मैं क्या कह रही थी, हमारे बीच में 36 का आंकड़ा है तो है और वो चलता रहेगा, लेकिन जब परिवार की बात आती है तो हम सब मिलकर रहते हैं ना, और मिलकर कोई फैसला करते हैं और हमें वही करना चाहिए। देखिए ना जी, हम करवा चौथ का व्रत क्यों रखते हैं? कि करवा चौथ माता हमें आशीर्वाद दे, हमारे सुहाग की रक्षा करें और पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत बनाए। और मैंने पूरा यकीन है कि सौम्या भी ये व्रत अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए जरूर रखेगी। लेकिन जीजी करवा चौथ का व्रत औरतें रखती है, किन्नर के रखने से मैनु डर है कि करवा चौथ माता नाराज हो जाएगी और कहीं कोई अपशकुन ना हो जाए। क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कुछ कैसे नहीं है जीजी? आपके हाथ में तो प्यादा है प्यादा। वो करीना, वो सिर्फ आपकी की बात तो मानती है, बस उसे इशारा कर दीजिए कि सौम्या का ये व्रत पूरा नहीं होना चाहिए। देख लो, आपका काम यूं चुटकियों में हो जाएगा। बात समझ नहीं पा रहा हूं तेरी, कभी तो तू हरमन की बर्बादी चाहती है, कभी परजाई के सामने उसकी बर्बादी से बचने का उपाय बताती है, वो है क्या भला? वीरन, मैं एक औरत हूं और औरतों को समझना बड़ा मुश्किल है, तो सेना इन सब चक्करों में ना पड़ो। सही कह रही, बनाने वाला खुद औरत को नहीं समझ पाया, मैं क्या समझूंगा? जानते
रानी? हरमन ने सरगी बनाई है ना तेरे लिए खाली पुत्र। और हाँ, थाली में एक निवाला भी ना छोड़ना। इसी दोनों का प्यार हमेशा बना रहेगा पुत्र। जी नानी। और करवा माँ का आशीर्वाद मिलेगा तुझे। क्या हुआ तारा? ना नानी का फोन था, कह रही थी कि मुझे पूरी सरगी खानी है क्योंकि इससे प्यार बढ़ता है। करवा चौथ का व्रत? अरे वाह, क्या लगता है तुझे कि ये सब करेगी तो तू औरत बन जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, और तू अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकल और उस मर्द को अपने पीछे नचाना छोड़ दे तराना। ठीक है तराना? खा पूरी थाली, प्यार बढ़ेगा। इतना नमक खा कि कल बिना पानी के तुम मर जाए। मैं भी देखती हूँ तो कल करवा चौथ का व्रत कैसे पूरा करती है। अरे वाह, ये तो देखने में ही बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। अब बनाने वाले ने प्यार डाला है तो स्वादिष्ट तो होगा ही। क्या हुआ सोम्या? तेरे पति के प्यार में नमक थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया है। खाले खाले, अब भी पता चल जाएगा। हरमन जी ने ये सरगी बहुत प्यार से बनाई है। जैसी भी बनी है मैं पूरी खाऊंगी। अब देखते हैं रात तक बिना पानी के कैसे रहती। उस दुनिया के लोग त्योहार मना रहे हैं, तो हम ऐसे क्यों बैठे रहे? वो तो मीठा कर ही सकते हैं ना, इसलिए मैं सबके लिए जलेबी लेके आई हूँ। ये लीजिए। रानी, हरमन जी। नहीं, मैं जलेबी नहीं खा सकता। क्या है ना, मेरा करवा चौथ का व्रत है। बुरा मत मानना हरमन जी, आप सच में ना पागल। सोम्या ने तो आपके लिए कोई व्रत नहीं रखा, आप क्यों बिना खाए पिए सूखे जा रहे हो? करीना जी, वैसे कहां लिखा है कि करवा चौथ का व्रत सिर्फ पति नहीं रख सकती? और वैसे भी लंबी उम्र वाली दुआओं पे तो पति से ज्यादा पत्नियों का हक होता है, इसलिए सौम्या व्रत रखे ना रखे मैं तो जरूर रखूंगा। पता नहीं हरमन जी, आप किस मिट्टी के बने हुए हो। रानी जी, अपनी पत्नी से प्यार करने वाला हर पति एक ही मिट्टी का बना होता है। ताराना जी, बहुत प्यास लगी है और कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है। रोमा, जा भाग के पानी तो ले आ। जी।
ये ले तराना, पानी पी ले। पानी पी ले तराना। नहीं जी। चलो तराना, उठो, डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं नहीं तो पानी पी सकती हूँ और ना ही डॉक्टर की कोई दवा खा सकती हूँ। ये करवा चौथ का व्रत है, एक सुहागन इस तरह से अपना व्रत नहीं तोड़ सकती है। प्लीज मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दी छोटी कैसी है? कैसी है? मैं ठीक हूँ दी, आप कैसे हो? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कुछ नहीं छोटी, करवा चौथ का व्रत है ना, तू तो जानती है कि भूख में मैं भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो बस इसीलिए। मेरा छोड़, अपना बता, मेरा पहला करवा चौथ है ना, सब ठीक तो है ना? है तो बिल्कुल ठीक। खैर ये सब छोड़ो, एक सेकेंड, ये देखो हम आपके लिए साड़ी लेकर आए, कैसी है? हाँ भाभी जी, बहुत महंगी वाली साड़ी है। बहुत अच्छी है छोटी, पर मैं नहीं ले सकती हूँ। पर क्यों थी, आपको पसंद नहीं आई? नहीं ऐसी बात नहीं है, वो हरमन जी ने करवा चौथ पर मेरे लिए साड़ी ली है, और तू जानती है उन्होंने ना उस पर फॉल अपने हाथों से लगाया है। ठीक है दी, आप वही साड़ी पहनना जो हरमन जी लेकर आए आपके लिए। दी हरमन जी कहाँ हैं? मुझे उनसे पूछना है कि उन्होंने करवा चौथ के लिए और क्या क्या सरप्राइजेस रखे हैं आपके लिए। खबरदार, अगर हरमन को कुछ भी बताया तो, क्योंकि ये तराना के लिए उसके विश्वास की परीक्षा है, और हम परखना चाहते हैं कि हरमन इतने दिनों से तराना को कितना जानता है।